दोस्तों, क्या आपने भी अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर दिया है और आपको गूगल एडसेंस की तरफ से इम्पॉर्टेंट टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट आपके घर पर भेजा गया है और कुछ इस तरह से आप लेटर देख सकते हैं, आपको मिला होगा। और अगर आपके पास ये लेटर आया है और आप कन्फ्यूज हैं कि इस लेटर का करना क्या है, तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल जो है, गूगल एडसेंस ये लेटर किन एडसेंस यूजर को भेज रहा है और आप एडसेंस में क्या ऐसी सेटिंग करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में ये लेटर ना मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास जो है इंस्टा पर बहुत सारे लोग जो है डीएम कर रहे थे इस लेटर के साथ कि सर, हमको जो गूगल एडसेंस की तरफ से ये लेटर भेजा गया है, तो प्लीज इसके बारे में बताइए कि हमको इसका करना क्या है। तो मुझे लगा दोस्तों कि इस समस्या से जो बहुत यूट्यूबर परेशान है, तो इस पर एक वीडियो बनाकर सभी लोगों का डाउट जो है क्लियर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाल कलर की बटन है दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटा है, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और ध्यान से समझिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2021 से ही गूगल एडसेंस अकाउंट में सभी लोगों को, जो भी लोग ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं, जो भी लोग एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं, उनको गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना जरूरी है। और सभी लोगों ने जो है दोस्तों यूएस टैक्स फॉर्म फिल भी कर दिया है। अगर आपने नहीं फिल किया, तो मैंने वीडियो बनाकर रखा है, आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको यूएस टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर्म इसलिए फिल कराया जा रहा था कि जो भी हम अर्निंग यूएस से कर रहे हैं, जैसे कि हमारी वीडियोज या ब्लॉग यूएस में जो भी एड प्ले कर रही हैं, उनसे जो भी अर्निंग हमको हो रही हैं, उन पर हम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं। हमारा कंट्री जो है टैक्स ट्रेटी है, तो उसको जो है हमको बताना होता है कि हमारा कंट्री जो है टैक्स ट्रेटी है, इसलिए जो है इतना परसेंटेज टैक्स जो है हमसे लिया जाए। वरना अगर हम इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो भी अर्निंग यूएस के व्यूज से होंगी, उस पर जो है ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये फॉर्म सभी एडसेंस यूजर को भरना जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना क्यों जरूरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी गूगल एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म फिल किए थे, उनमें से बहुत लोगों को बाई पोस्ट उनके घर पर इंपॉर्टेंट टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है सेंड किया गया है। एक लेटर की तरह जो है उनको इंपॉर्टेंट टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजा गया है और बहुत लोगों को जो है फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वहीं पर, जहां पर उन्होंने यूएस टैक्स फॉर्म फिल किया था, वहीं पर फॉर्म 1042H डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किन लोगों को भेजा गया है, किन लोगों को नहीं भेजा गया, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, जब भी आप यूएस टैक्स फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां पर सबसे लास्ट में आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहला गो पेपरलेस, जो कि रिकमेंडेड होता है, और उसके नीचे बाय पोस्ट। मतलब दोस्तों, इसका यह है कि हम जो भी यूएस टैक्स फॉर्म एडसेंस में सबमिट किए हैं, तो हमने तो ये बता दिया एडसेंस को कि हमारी कंट्री टैक्स ट्रीटी है और हम पहले से ही टैक्स पेयर हैं। जो भी यूएस से हमारी अर्निंग हो रही है, हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो एडसेंस को पता चल गया, लेकिन एडसेंस जो है उन यूजर को कैसे बताएगा कि आप जो भी टैक्स हमको पे कर रहे हैं, उसका जो है हम आपको क्या प्रूफ देंगे। तो वही दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो है हमको भेजने का ऑप्शन वहां पर पहला गो पेपरलेस और दूसरा जो है बाय पोस्ट का ऑप्शन दिया गया है कि जो भी आपका टैक्स डॉक्यूमेंट यहां पर बनेगा, उसको जो है हम आपको किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो लोग भी गो पेपरलेस को सिलेक्ट किए हैं, उनको फॉर्म 1042S वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, और जो लोग भी बाय पोस्ट को सिलेक्ट कर दिए हैं, उनको ये लेटर उनके घर पर भेजा जा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लेटर का यूज क्या है, आप इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे, और इन द फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि गूगल एडसेंस की तरफ से ये लेटर आपके घर पर ना भेजा जाए, तो आप एडसेंस में क्या सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि अगर आप इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं, आपकी इनकम जो है इतनी हाईएस्ट है कि आप इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप जो है इस डॉक्यूमेंट का यूज कर वहां पर जो है बता सकते हैं कि आप यूएस से जो भी अर्निंग कर रहे हैं, वहां पर वहां का जो भी टैक्स है वो पे कर दिए हैं। इसलिए ये डॉक्यूमेंट जो है यूट्यूबर को या ब्लॉगर को भेजा जा रहा है जो भी गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं। अब दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ये जो टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके घर पर बाई पोस्ट भेजा गया है, इन द फ्यूचर में वो आपके घर पर ना भेजा जाए, आपको एडसेंस में ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिले, जैसा कि बहुत लोगों को मिला है, तो आपको अपने मैनेज यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन में जाना है। वहां पर दोस्तों, आपको बाय पोस्ट की जगह पर गो पेपरलेस, जो कि रिकमेंडेड होता है, ये गूगल एडसेंस ने सबको मैसेज ईमेल भी किया था कि आप जो है गो पेपरलेस को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो लेटर आपके पास भेजा जाएगा टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट, वो लेटर ना भेजा जाए, आपको बाय मेल ही वो लेटर प्रोवाइड कर दिया जाए। इससे जो है बहुत सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे और एनवायरनमेंट को जो है हम सेव कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों ये लेटर जितने भी यूट्यूबर हैं सबको अगर भेजा जाएगा, इस लेटर को बनाने में जो पेपर यूज हुआ है उसके लिए बहुत सारे पेड़ को काटना होगा, जिससे कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों इसी के लिए वहाँ पर गो पेपरलेस रिकमेंडेड जो है एडसेंस में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जाकर उसको सेट कर लीजिएगा और इन द फ्यूचर में आपको ये लेटर आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा, आपको एडसेंस में ही वहीं से डाउनलोड करने का फॉर्म 1042S जो है ऑप्शन मिलेगा, वहीं से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा काम नहीं किया है, वीडियो के नीचे दोस्तों लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई और लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।